हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री विक्की रॉय जी को. जोरदार होनी चाहिए. थैंक यू दर्शन टू इनवाइट मी हियर. एंड मैं रोलबोल के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आपने इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया और हम सबको इनवाइट किया. सो मैं आपके साथ अपनी लाइफ जर्नी शेयर करता हूँ कि मैं जब 2-3 साल का था तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरे नाना नानी के घर में रख दिया. मैं ओरिजिनली वेस्ट बंगाल पुरुलिया से हूँ और मेरे नाना जी बोकारो स्टील प्लांट में जॉब करते थे और हम लोग टोटल 7 भाई बहन थे. तो मेरे फादर की पर डे की इनकम 20 रुपीज़ थी. तो उनको लगा कि अगर मैं नाना नानी के घर में रहूँगा तो एटलीस्ट क्लास 10th तक पढ़ लूँगा. तो इस ड्रीम के साथ उन्होंने मुझे वहाँ पे रख दिया. तो आप देखिए मेरे घर का कंडीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस तरह के घर से बिलोंग करता हूँ. लाइक ये फ़ोटो मैंने 2016 में खींचा हूँ तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे घर की कंडीशन कैसी रही होगी. तो जब मैं नाना नानी के घर में बड़ा हो रहा था तो लाइक यू नो छोटी छोटी बातों पर बहुत मार पड़ती थी. बहुत काम करवाते थे. तो एक दिन मैंने अपने मामा जी के बचपन में फिल्म देखी थी कि लोग शहर जाके हीरो बन जाते हैं या अमीर आदमी बन जाते हैं. तो मैंने अपने मामा जी के जेब से थोड़े से पैसे चोरी करके भाग गया घर से और मैं दिल्ली आ गया. और जब मैं दिल्ली आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. तो मैं नई दिल्ली स्टेशन में कबाड़ी चुनने का काम करता था. जो लोग पानी की बोतल पी के फेंकते थे हम उन बोतल को कलेक्ट करते थे एंड उसमें ठंडा पानी भर के हम जनरल बोगी में बेचते थे. तो प्लेटफॉर्म में सर्वाइव करना काफ़ी डिफिकल्ट था क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म में दादा होता था, पुलिस वाले मारते थे. तो मैं फिर प्लेटफॉर्म छोड़ के एक ढाबे में थोड़े दिन तक काम किया. फिर वहाँ से एक भैया ने मुझे एक दिन मेरे से पूछा कि तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो. तो उन्होंने मुझे एक संस्था भेज दिया, सलाम बालक ट्रस्ट. सो 1988 में मीरा नायर की एक फिल्म आई थी सलाम बॉम्बे, उससे ये ट्रस्ट बना था सलाम बालक ट्रस्ट. तो मैं उस संस्था में जाके रहने लगा. मैं फिर रेगुलर स्कूल जाने लगा. जब मैं क्लास 10th में आया तो मेरे बहुत कम परसेंटेज आए, 48%. तो मेरे टीचर ने कहा कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ नहीं, अपना ट्रैक चेंज करूँ और कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करूँ. तो मैंने अपने टीचर को कहा सर मुझे फोटोग्राफी करनी है. तो उन्होंने मुझे एक जॉब ढूंढ के दिया. एक डेली बेस्ड फोटोग्राफर है, उन्होंने मुझे जॉब दिया है जब फोटो असिस्टेंट का. तो मैं उनको असिस्ट करते करते फोटोग्राफी सीखा. मुझे सलाम बालक ने ये कोडेक कैबिनेट का कैमरा दिया, इससे मैंने फ़ोटो खींचना चालू किया. अपने दोस्तों को मैं पार्क में लेके जाता था और 5-5 रुपये लेके मैं उनकी ऐसी फ़ोटो खींचता था. फिर 2007 में मैंने अपना एक पहला एग्जीबिशन लगाया स्ट्रीट ड्रीम्स के नाम से. और ये एग्जीबिशन मेरा काफ़ी सक्सेसफुल रहा क्योंकि ये 3 टाइम लंदन ट्रैवल किया, साउथ अफ्रीका गया, वियतनाम गया. तो बेसिकली जब ये फोटो देख रहे हैं तो आप एक तरीके से मुझे देख रहे हो कि मैं स्ट्रीट में कैसे रहता था. उसके बाद मैं 2008 में एक वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया एंड उसमें पूरे वर्ल्ड से 4 फोटोग्राफर चुने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकन्स्ट्रक्शन शूट करने के लिए न्यूयॉर्क में. तो मुझे 6 महीने के लिए न्यूयॉर्क बुलाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकन्स्ट्रक्शन शूट करने के लिए. और जब मैं न्यूयॉर्क से वापस आया तो मैं एक अवार्ड प्रोग्राम का गोल्ड अवार्ड होल्डर था, उसका नाम था इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल. तो मुझे उस अवार्ड प्रोग्राम के थ्रू लंच करने के लिए बुलाया प्रिंस एडवर्ड के साथ बकिंघम पैलेस लंदन में. आप वहां से चेंज कर देंगे मेरी स्लाइड प्लीज. 2011 में मैंने एक लाइब्रेरी स्टार्ट किया रंग ओपन लाइब्रेरी. सो व्हाट वी डिड, हमने सारे बड़े फोटोग्राफर से अप्रोच किया कि वो हमें फोटोग्राफी बुक डोनेट करें. तो हमारे पास करीब 400-500 फोटोग्राफी बुक्स हैं. तो कभी भी हम लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम इस तरह के एक सेटअप के साथ ये करते हैं और लोगों को बुलाते हैं इस लाइब्रेरी को अटेंड करने के लिए. आप चेंज कर देंगे प्लीज नेक्स्ट. उसके बाद 2013 में नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने फर्स्ट टाइम एक रियलिटी शो ऑर्गेनाइज किया. वो हम 8 फोटोग्राफर को सेलेक्ट करके श्रीलंका लेकर के गए. तो ये मिशन कवर शॉट के दौरान ली हुई फोटोग्राफ्स है. जल्दी जल्दी चेंज कर दीजिए. सो ये रियलिटी शो था तो हर एपिसोड एक फोटोग्राफर शो से बाहर निकल जाता था. और ये टोटल 10 एपिसोड का शो था और मैं 9th एपिसोड में शो से बाहर निकला और मैं टॉप 4 में था.
उसके बाद मेरी पहली फोटोग्राफी बुक आई 2013 में होम स्ट्रीट होम के नाम से, और इसमें मैंने अपनी सेंटर होम की लाइफ दिखाई थी कि जब मैं सेंटर होम में रहता था तो मैं किस तरीके से रहता था। तो जब आप स्ट्रीट वाले देख रहे थे तो आप मुझे देख रहे थे कि मैं स्ट्रीट में कैसा रहता था, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं सेल्टर होम में कैसा रहता था। उसके बाद मुझे एक फेलोशिप मिला MIT मीडिया लैब में जाकर पढ़ने का, तो मैं थोड़े समय के लिए मुझे MIT मीडिया लैब या बोस्टन में मुझे एक फेलोशिप मिली थी। उसके बाद मुझे काफ़ी सारे जगहों पे जब मोटिवेशनल टॉक देने के लिए बुलाया, तो लेकिन मैं पेंटागन गया, व्हाइट हाउस गया, वर्ल्ड बैंक गया, फेसबुक हेडक्वार्टर गया, गूगल हेडक्वार्टर गया, वर्ल्ड बैंक गया। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने की, मैंने जब क्लास 8 में था तो टीचर ने कहा था कि अब देश की तरक्की में कैसे योगदान दे सकते हो, तो देश एट की सबसे पहले आप अपनी तरक्की करो, देश से गरीब कम हो जाएगा, एंड देन उसके बाद आप बाकियों के लिए सोचना। तो ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट किया है जिससे मैंने सोसाइटी को सपोर्ट किया है। चेंज कर दीजिए। सो ये मेरी एक जर्मन फ्रेंड और 3 इंडियन फ्रेंड ने मिलकर के MP में एक स्केट पार्क बनाया है, और मैं इस स्केट पार्क को शूट कर रहा था काफी समय से जब से ये बना है। तो भाई फोटोग्राफी कभी कभी कितना पावरफुल होता है और कैसे लोगों को सपोर्ट करता है। सो लाइक मैंने इनके लिए एक कैंपेन किया कि लोग कैसे जाने इनके बारे में। सो नेक्स्ट कि हमको सिंह की मैं देश का सेवा करूंगा। नेक्स्ट सीमा सिंह की हमारे स्कूल में पंखे होने चाहिए, और जब मैंने ये फेसबुक पे सेंड किया तो मेरे एक दोस्त ने स्कूल के लिए पंखे डोनेट कर दिया। चेंज करते जाइए। उसके बाद एक लड़का है गोविंद सिंह की मैं इस गांव का मुखिया बनना चाहता हूँ, तो मैंने जब वो पिक्चर सेंड किया तो मेरे एक ट्रस्टी है उसने उनको 2 लाख की स्कॉलरशिप दी आगे पढ़ने के लिए। उसके बाद उस गांव में पानी की काफी दिक्कत थी, तो लाइक दे सेड कि गांव वालों को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता पानी भरने के लिए, तो आई सेड कि दे सेड कि एक सोल्यूशन है बट हमें 8 लाख रुपए चाहिए, तो आई सेड कि यू नो ऐसे हमें कोई पैसा नहीं देगा। तो मैं भी जो हम स्केट पार्क के अभी तक फोटो खींचे हैं तो उस फोटो को हम लोगों को कहते हैं खरीदने के लिए, और उससे हम ये वाटर इनिशिएटिव करेंगे। तो संभव हमने कुछ फोटो बेचे, हमने 8 लाख इकट्ठे किए, हमने वहाँ पे एक डीप बोरिंग करके ऐसा एक सोलर पैनल लगा के वहाँ पे टंकी लगा दिया, तो लाइक उस गांव में 24 घंटे पानी अवेलेबल है। तो ये कंट्रीब्यूशन है मेरे फोटोग्राफी के थ्रू। तो उसी गांव में इस लड़के का मैंने फोटो खींचा था, फिर मैं फेसबुक पे आकर शेयर किया तो किसी ने सपोर्ट किया, फिर मैं इसको दिल्ली लाके एम्स में इलाज कराया तो अब सचिन बिल्कुल ठीक हो गया। द लास्ट स्टोरी जो मुझे काफी पसंद है, ये एक फैमिली है जो सड़क पर रहती थी, तो मैंने इनका एक फोटो खींचा था और आकर के अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया कि इस फैमिली की मैं क्या मदद कर दूं कि ये स्ट्रीट पे ना रहे, तो मैं जाकर नेक्स्ट डे इस फैमिली से पूछा, तो दे सेड कि हम ओरिजिनली राजस्थान धौलपुर से हैं, तो आप हमें एक परचून की दुकान खोल दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। तो फिर मैंने लास्ट ईयर जनवरी में इनका दुकान खुलवा दिया और ये फैमिली वापस सेटल हो गई। इनके बच्चों का मैंने स्कूल में एडमिशन करा दिया। मैं 2016 में फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 लिस्ट में आया था, फिर 40 अंडर 40 लिस्ट में वोग मैगजीन में। तो मैं अपनी टॉक यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सो थैंक यू सो मच।